मोबाइल फोन में एक से अधिक कैमरे क्यों दिए जाते हैं? क्या आप इन तीनों या फिर चारों कैमरे का उपयोग जानते हैं? नहीं। दरअसल समय के साथ साथ स्मार्टफोन में कैमरों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले जहां एक कैमरे आते थे, अब वहां दो से अधिक कैमरे आते हैं और इन कैमरों की मदद से मोबाइल में खींची गई फोटो की क्वालिटी में भी सुधार आ जाता है। और तो और कई स्मार्टफोन कंपनियां अपने फोनों में चार या पांच से अधिक कैमरे लगाने की भी काम कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं फोन में दो से अधिक कैमरों का काम क्या है। तो दोस्तों, आपके फोन में पहला कैमरा प्राइमरी कैमरा होता है, जिससे हम फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके फोन में ब्लर का ऑप्शन दिया है तो यह दूसरे कैमरे का काम होता है। दूसरा कैमरा आपको फोटो को ब्लर करता है और तीसरे कैमरे का काम होता है फोटो को वाइड एंगल में क्लिक करना। अगर आप अपने कैमरे में वाइड मोड को ऑन करके फोटो क्लिक करेंगे तो ज्यादा एरिया का फोटो कवर करेगा। जब हम नॉर्मल फोटो क्लिक करते हैं तो ज्यादा एरिया का कवर नहीं आ पाता है, इसलिए फोनों में वाइड एंगल दिया जाता है ताकि हम ज़्यादा एरिया का कवर कर सके और फोटो क्लिक कर सके। अगर आपको वाइड फोटो क्लिक करने नहीं आता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। और मुझे आशा है कि आप इन तीनों कैमरे के बारे में ज़रूर जान गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।